हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैया की रसोई कान्हा की फुलवारी। फ्रेंड्स, आज हम गोल्डन मिल्क बनाएंगे जो बहुत ही पौष्टिक होता है। आप जानते हैं दूध में तो कैल्शियम बहुत ही मिलता है और हल्दी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए सर्दियों के दिन में गोल्डन मिल्क ज़रूर बना के पिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गोल्डन मिल्क बनाने के लिए हमने ये कच्ची हल्दी ली है, ये 2.5 इंच की लगभग है, और अदरक लिया है हमने। इसको हमें छीलना नहीं है, दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से धुल करके ले लेना है। अदरक भी हमारा 2 इंच के लगभग है। गुड़ का पाउडर हमने लिया है, 2 बड़े चम्मच है। आप मीठा अपने अनुसार डाल सकते हैं। यदि आपके पास गुड़ का पाउडर ना हो तो आप गुड़ भी ले सकते हैं महीन करके। 1/2 लीटर हमारा दूध है, हमको ताज़े ही दूध में इसे बनाना है। मलाई, यदि मलाई दूध में पड़ गई हो तो उसको अच्छे से गर्म करके मेल्ट कर लीजिए। पहले देख सकते हैं, कोशिश करके गोल्डन मिल्क आप गाय के दूध में बनाएं तो बहुत ही हेल्दी होता है। और यदि आपको देसी गाय का दूध मिल जाए और भी बढ़िया है। जब दूध में उबाल आ जाए अच्छे से, उसी समय हमको हल्दी को इसमें इस तरह से घिस देना है। फ्रेंड्स, कोशिश करके आप गोल्डन मिल्क कच्ची हल्दी से ही बनाएं। कच्ची हल्दी मार्केट में मिल जाती है, ला के आप लगा सकते हैं गमले में। और यदि नहीं है हल्दी तो आप पिसी हुई हल्दी से बना सकते हैं, लेकिन ये कच्ची हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ास करके जब सर्दी हो तो गले के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है ये। अब हम इसमें अदरक घिस देंगे। आप चाहें तो अदरक की मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं। यदि बच्चों को देना हो तो अदरक थोड़ा कम कर सकते हैं, जिससे तीखा ना लगे। इस तरह से हम घिस देंगे। अदरक भी हमने घिस दिया है। इतना अदरक हम रहने देते हैं क्योंकि खुजा हो गया है, इसको नहीं घिसेंगे। और इसे हम 10 मिनट तक चलाते हुए मीडियम गैस पर पकाएंगे, जिससे हल्दी और अदरक का स्वाद अच्छे से दूध में आ जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं दूध हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है। हमारा गोल्डन मिल्क बन करके तैयार है। अब हम इसको छन्नी से छान लेंगे। गैस हम बंद कर देंगे और गोल्डन मिल्क को छान लेंगे हम छन्नी से। आपको इसमें अभी गुड़ नहीं ऐड करना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। केसर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दूध को येलो करने के लिए। आप हल्दी डालें, कच्ची हल्दी खास करके, बहुत ही लाभकारी है ये। चम्मच से इसको हम इस तरह से करके दबा दबा के छान देंगे। हमारा गोल्डन मिल्क पूरी तरह से बन करके तैयार है पीने के लिए। इसमें हम अब गुड़ पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए आप छानने के बाद डालें। इसी ग्लास में, कप में हम डाल देंगे। कप, ग्लास, किसी भी चीज़ में आप ले सकते हैं जिसमें सुविधा हो, क्योंकि गुड़ यदि हम तुरंत खौलते समय डाल देंगे तो फट सकता है। और चीनी डालना हो तो आप चीनी तुरंत डाल सकते हैं। इतना गोल्डन मिल्क 4 लोगों के लिए पर्याप्त है। जैसे 1-1 कप हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय न पी करके आप इसको बनाइए। और सर्दियों में तो रात में ज़रूर बनाएं, बच्चों को पिलाएं, बड़ों को पिलाएं, बहुत ही लाभकारी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से गोल्डन मिल्क बनाएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।